हर हर गंगे, मैं स्वाति कोलंबस फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी हरिद्वार में रहने के लिए एक अच्छा सा होटल, और उसी के साथ मैं दिखाऊंगी कि उस होटल के आसपास आपके खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था हो सकती है। जैसे कि आप जानते होंगे, मई के महीने में श्री केदारनाथ में शिव जी के मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुल जाते हैं, और उसी के साथ साथ चारधाम की यात्राएं भी शुरू हो जाती है। इस चारधाम की यात्रा पूरी करने के लिए लोग पहले हरिद्वार आते हैं। क्योंकि इस यात्रा को हरिद्वार से ही शुरू किया जाता है, तो इसी वजह से हरिद्वार में अच्छा सा होटल या होमस्टे मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन दिनों हरिद्वार में शिव जी के भक्तों की और टूरिस्ट की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और सारे बड़े आश्रम भक्तों से भर जाते हैं। ऐसे में आपको एक आरामदायक और कंफर्टेबल जगह पर रहना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये हरिद्वार स्टेशन से बहुत ही नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, इतना नजदीक कि आप हरिद्वार स्टेशन से चल के भी इस होटल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे होटल में। अगर आपका लगेज बहुत ज्यादा है तो आपको ऑटो रिक्शा से ही जाना पड़ेगा, पर आपका सामान कम है या व्हील्स वाले बैग है तो आप चल के भी 5 मिनट में आराम से होटल में पहुंच सकते हैं। हमें पहले पता नहीं था, इसीलिए 300 रुपये देके 2 ऑटो करके हम होटल तक पहुंच गए। तो चलिए इस गूगल मैप में रास्ता देखते हैं। तो ये है हरिद्वार स्टेशन। तो हरिद्वार स्टेशन से बाहर आते ही आपको लेफ्ट लेना है, मतलब बाई ओर आना है। वहाँ पर है शिवमूर्ति चौक, और उस चौक से राइट लेना है, मतलब दाई ओर आगे बढ़ना है, और तुरंत आपको दिख जाएगा होटल प्रेम बिहारी। तुरंत ये है प्रेम बिहारी होटल। इस मेन रोड से 10 कदम आने के बाद तुरंत आपको दिख जाएगा प्रेम बिहारी होटल। स्टेशन से होटल आने के लिए एक शॉर्टकट भी है, और ये शॉर्टकट है हरिद्वार स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट में है, चल के आप आ सकते हैं। स्टेशन के गेट के सामने ही रोड है, वहाँ से 5 मिनट में आप चल के आ सकते हैं। पूरा वो चौक घूम के आने की भी ज़रूरत नहीं है, और शॉर्टकट भी एकदम साफ़ सुथरा है, ऐसा कुछ गंदगी वगैरह नहीं है। आप वहाँ पे किसी भी लोकल लोगों से या दुकानदारों से पूछेंगे तो वो बता देंगे। और होटल से बाहर आते ही ये जो शिवमूर्ति चौक है 2 मिनट पर, तो यहाँ से सीधे सीधे आप जाएंगे तो आपको हरिद्वार मार्केट, मनसा देवी, चंडी देवी, हर की पौड़ी सब आप देख सकते हैं। इस चौक से आपको हर जगह पर जाने के लिए 20-20 रुपया पर सीट के हिसाब से ऑटो रिक्शा मिल जाएंगी। तो ये है हमारा होटल, होटल प्रेम बिहारी। ये देखिए इस होटल की बिल्डिंग, ये 5 फ्लोर का होटल है। तो चलिए चलते हैं अब होटल के अंदर। तो ये है होटल की लॉबी, बहुत ही स्पेशियस है लॉबी, और ये है होटल का रिसेप्शन, और उसके पास में ही और एक सोफ़ा है, सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारा ग्रुप काफ़ी बड़ा था, इसीलिए हमने इस होटल में 3 रूम लिए थे। हमारे तीनों रूम दूसरे माले पर है, और ऊपर आने जाने के लिए होटल में लिफ्ट की सुविधा भी है। हमारा 3 फैमिलीज़ का ग्रुप है, और जैसे कि आपने पहले के वीडियोस में देखा होगा, हम तीनों फैमिलीज़ एक साथ घूमते रहते हैं। तो ये है पहला रूम। रूम में एसी भी है, अच्छे से कूलिंग हो रखा था रूम में, और ये है इनका स्पेशियस बेड, और बाथरूम भी बहुत ही साफ़ सुथरे थे। अगर आपको एक्स्ट्रा बेड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा।
सभी रूम में गीजर और गर्म पानी है। होटल का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। तो ये है दूसरा रूम, यहाँ पर भी किंग साइज डबल बेड है। ये भी एसी रूम है, यहाँ का इंटीरियर अलग है थोड़ा सा। इस होटल में हर एक रूम का इंटीरियर अलग अलग है। और अब प्राइस की बात करने जाए तो अभी जितने भी एसी रूम मैंने आपको दिखाए उन सब का मतलब हर एक रूम का एक दिन का किराया 1800 रुपए है। शायद इस होटल के रूम के रेट्स आपको महंगे लगे हो, बट अभी पूरे हरिद्वार में ऐसे ही होटल के रेट्स रहेंगे क्योंकि अब चारधाम की यात्राएं शुरू हो चुकी हैं और ये पीक सीजन है यहाँ का। रूम के रेट्स सीजन के हिसाब से ज्यादा या कम हो सकते हैं। हमारी ये 10 दिन की ट्रिप खत्म होने के बाद हरिद्वार से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ने के पहले भी हम यहीं पर रहे थे। रूम्स के बाहर बहुत ही बड़ा खुला पैसेज है। पैसेज में भी भरपूर रोशनी और हवा आती रहती है। पैसेज में खड़े रहने के बाद नीचे की लॉबी और वहां का सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर इसी होटल का रेस्टोरेंट है। इस होटल का चेक इन और चेकआउट टाइम दोपहर 12 बजे का है। हरिद्वार स्टेशन से नजदीक होने के बावजूद भी ये होटल एक शांत जगह पर है। यहाँ का आसपास का एरिया बहुत ही शांत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस ट्रिप का जो आखिरी दिन था उस दिन भी हमने इसी होटल में स्टे किया था, क्योंकि हमारी मुंबई जाने वाली ट्रेन हरिद्वार स्टेशन से ही निकलने वाली थी। इस होटल का स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव और हेल्पफुल है। इस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस होटल से हरिद्वार मार्केट 1 किलोमीटर की दूरी पर है और मनसा देवी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार मार्केट या मनसा देवी प्रवेश द्वार तक मात्र 20 रुपये पर सीट के हिसाब से आप ऑटो रिक्शा से पहुंच सकते हैं। हर की पौड़ी यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर भी आप 20-20 रुपये पर सीट देके ऑटो रिक्शा से पहुंच सकते हैं। हमारे ग्रुप की वीडियोस इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल रखी है, तो आप कोलंबस फैमिली को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब खाने पीने की बात करें तो प्रेम बिहारी होटल के वॉकेबल डिस्टेंस पर ही खालसा होटल है। यहाँ पर मोस्टली पंजाबी खाना मतलब छोले, राजमा, पराठे, ऐसी सारी पंजाबी डिशेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और फ्रेश मिलती है। और यहाँ की सर्विस भी बहुत बढ़िया है। खालसा होटल के सामने ही है चोटी वाला रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा और खाने की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आपको दूध, लस्सी, रबड़ी, पेड़े या और भी कुछ डिजर्ट खाने की इच्छा हो तो हरिद्वार मार्केट में एक अच्छी डेयरी है जिसका नाम है श्री लस्सी। यहाँ की लस्सी बहुत ही गाढ़ी रहती है और बाकी चीजें भी बहुत अच्छी है।
अगर आपको हमारा ये हरिद्वार के होटल का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।